नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कुर्बानी के त्यौहार ईद उल अजहा की नमाज मस्जिदों एवं ईदगाह में शासन की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पढ़ाई गई है। कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देशानुसार ईद उल अजहा के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए शहर में साफ सफाई व्यवस्था सहित विद्युत विभाग मुस्तैद दिखाई दी है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के दिए गए निर्देश के बाद कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मस्जिदों में 50 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। शहर के सभी मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 3 बार में नमाज अदा की गई, जिसमें सुबह 6 बजे नमाज पढ़ी गई। इसके बाद 7 बजे एवं 8 बजे अलग अलग लोगों ने नमाज अदा की है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा थाना प्रभारी को दिए गए निर्देश के अनुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए पुलिस शहर की मस्जिदों एवं ईदगाह में सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए थी। नमाज पूरी होने के बाद शहर काजी ने लोगों से अपील की है कि वह शासन एवं प्रशासन के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें, अनावश्यक भीड़ एकत्रित न करें। क्या लोगों को मैसेज देंगे और किस तरीके से पूरे ज़िले में ईद मनाई जा रही है? अहमद हु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम मुल्क वासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से, और ईदगाह इंतज़ाम कमेटी शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी के तमाम मेहमान की तरफ से। जैसा कि आपको मालूम है कि COVID-19 का जो माहौल है अभी भी जारी है, और हमारे मुल्क में तीसरी लहर का भी ख़तरा हमारे सामने है। इसी के तहत शासन प्रशासन की तरफ से मस्जिदों में सिर्फ 50-50 लोगों के इबादत करने के लिए इजाज़त दी गई थी। उसी के तहत पूरे ज़िले में सुबह 3 वक्तों में जमात की इजाज़त दी गई, 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे 50-50 लोगों ने नमाज़ें अदा की। चूँकि ईदगाह में 6 लोगों की ही इजाज़त थी, इसलिए ईदगाह में आज हमारी कमेटी के पदाधिकारी जिम्मेदारान मिलकर 6 लोगों के साथ नमाज अदा की गई। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आज के दिन अखलाक व मोहब्बत के साथ प्यार और अमन व अमान का पैगाम देते हुए सभी लोगों का ख्याल रखें, अपने मुल्क वासियों का, हमवतन भाइयों का ख्याल रखें। क़ुरबानी जो एक अजीम सुन्नत है सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आपके साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम की और हमारे नबी की सुन्नत मुबारका है। जो लोग मालिक निसाब हैं वो कुर्बानी अदा करें, लेकिन कुर्बानी अदा करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि खुले में कुर्बानी ना करें, पर्दे के साथ करें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखें। कब्रिस्तान जाना है जिन्हें, वो लोग भी भीड़ भाड़ इकट्ठी करके ना जाएँ, और शासन प्रशासन का हर तरीके से सहयोग करें।